जब तक दगड़ तोड़ाई नहीं दी है तब तक नीचे नहीं बैठने दे। 1500 पे आए, कोई बात नहीं, जितना मिला उसी में सभी लोग खाना मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को और बहुत बहुत धन्यवाद सभी। थोड़ा सामने जा रहे हैं धूप सेकने, थोड़ा सा हल्दी इस पे भी लगाओ भाई। हेलो मेरे YouTube फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आसमानी जी, आप सभी का स्वागत है मदमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत से गांव गोंडार में, जहां पे मेरा मायका है। अभी सुबह के 8 बजे का टाइम हो चुका है और हम एकदम से रेडी हो चुके हैं। और आज है रचना की हल्दी, कल मेहंदी थी और आज हल्दी है, बारात है। तो अभी हम एकदम से तैयार हो चुके हैं, येलो कलर की साड़ी पहन के और एकदम से पहाड़ी लुक में तैयार हो गए हैं। और बाकी ना हम तैयार हुए थे अपनी दीदी के घर पे, क्योंकि शादी वाले घर में ना बिल्कुल भी जगह नहीं होती है बैग वगैरह रखने की भी और तैयार होने की भी। बहुत सारे मेहमान आ रखे हैं तो इतने सारे मेहमानों में ना बहुत घिचबिच होती है। तो हम आ रखे थे दीदी के घर पे और अभी हम यहीं पे तैयार हुए हैं। बाकी पिंकी लोग भी तैयार हो चुके हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लेवी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये देखिए दोस्तों, पिंकी भी तैयार हो गई है और अब चलते हैं हम हल्दी में, क्योंकि हमको ना बहुत देर से डांट पड़ रही है कि बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी तैयार नहीं हो रहे हैं, बल्कि क्योंकि बारात ने आना है खड़िया गांव से, जो कि केदार घाटी का गांव है खड़िया गांव, वहां से बारात ने आनी है। तो वो लोग तो अब निकलने ही वाले होंगे और यहां पे हो रही है हल्दी की तैयारी। यहां देखिए इतनी ठंड में भी मैं नहाई हूं, इसने स्वेटर भी नहीं पहन रखी भाई, मेरे पास है ही नहीं। मैं तो बहुत ठंड से मर रही थी, एक तो कल रास्ते में ही भीग गई थी और एक बहुत हैवी है। और वैसे वो कहां गई मायकिता, किसको भी वो आ रही है, तैयारी नहीं। वो तो यहाँ पे देखो भाई, इन पहाड़ियों पे कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है, सीधे नानू तक बर्फ आ रखी है भाई, मदमेश्वर से सीधे नीचे नानू तक। आपको लग रहा होगा कि धूप वहाँ पे निकल गई है, लेकिन वहाँ से यहाँ गांव आते आते इतना टाइम लग जाता है ना, पूरे 11 बजे धूप निकलती है भाई। अभी यहाँ पे हो चुकी है हल्दी की तैयारी, पूजा हो रही है, बाकी सभी लोग येलो येलो कलर की साड़ी पहनकर तैयार हो गए हैं। दीदी भी हो गई है तैयार। हाय, हेलो करा लो, हाय सभी। स्नान तो हो गया है हल्दी और सभी लोगों को ठंडा लग गया है, तो यहाँ पे ना मस्त आग सेक रहे हैं सभी लोग। फैशन इनका, फैशन बाहर आ गया, इसका सबसे ज्यादा इसका फैशन आ गया बाहर में ठंड के। हमारी प्याली चिगुलिया, छोटी चिगुलिया भी देख लिए, ये देखो इस पे भी लगाओ भाई हल्दी, थोड़ा सा हल्दी इस पे भी लगाओ भाई। इसको भी क्या पता चलना कि आज हल्दी थी इसकी मौसी की। ये मीना की लड़की है। दीदी ना मीना के ससुराल नहीं गई है, तिरजुग नारायण हम गए थे, दीदी नहीं गई थी, तो दीदी ना छोटी बेबी के लिए यही लाई है सूट और धगले, तो दीदी अभी पहना रही है। इसको ना ठंड लग गई तो इसको हिचकी आ रही है भाई, क्योंकि ये ठंडे हाथ लगा रही है ना इसपे, ये ढीले हो रहे हैं भाई, अभी हाथ बहुत छोटे है ना इसके, अभी ढीले हो रहे हैं। छोटी बेबी ना मेरे को पता क्या बोल रही है, मेरी भतीजी होती है, ये बोल रही है बोले कि वो गीत लगाने वाली भी आ रही है, बोल रही थी तू ऐसी, इधर देख तो, हेलो कर, अभी वो सर मार रही है।
अभी हल्दी भी हो चुकी है और अभी यहाँ पे मेरी सभी मामी जी लोग मेरे को मिल गए हैं, तो सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छा लगा मेरे को और बहुत बहुत धन्यवाद सभी मामी लोगों को वीडियो देखने के लिए। तो आप भी कुछ बोलोगे? बस यूट्यूब ये हमारी जो बहन जी है ये यूट्यूब सब्सक्राइब कर देना, यूट्यूब ब्लॉगर है ना। अच्छा तो माई था इसका गौनार है, भापन जी है, बाकी इसको इसके जो वीडियो है लाइक वो सबक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बहुत नमस्ते और धन्यवाद जो की। और आप सभी लोग उसे मिलकर मेरे को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मामी लोग जा रहे हैं, आप सभी लोग मामी नहीं हूँ मैं, मौसी जी मामी जी सभी जा रहे हैं। आप भी घर ही जा रहे हो? हम घर जा रहे हैं। आप बारात नहीं देख रहे हो? नहीं नहीं, हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ नाग लीला हो रहा है, नाग देवता का दर्शन करना। ये चलो हम बेट लगे हैं, बेट लगे जो है पान अमृत हो रहा है किस दिन का, आप सभी लोग आ जाना पान अमृत। हम जा रहे हैं हमारे यहाँ मेहमान है, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं, भंज को मिल के जा रहे हैं क्योंकि इसको मिलना जरूरी था। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, तो मिलना की बहुत इच्छा थी और मिल गए हम आपसे। बाय बाय। तो अभी ठीक 11 बजे का टाइम हो रहा है और अब जाके सूर्य देव ने दर्शन दिए हैं और बाकी अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा धूप सेकने इस साइड और वहीं से मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है। तो थोड़ी देर धूप सेकने जाते हैं और गांव में तो अभी धूप निकली नहीं है, ठीक 12 बज चुकी है और अब हम थोड़ा सामने जा रहे हैं धूप सेकने। अभी दिन के 1:30 बजे का टाइम हो चुका है और हम फिर से रेडी हो गए हैं और अभी बारात भी आ गई है ऊपर में, तो चले हम भी चलते हैं बारात का स्वागत करने के लिए। और बाकी ना यहाँ पे गांव की महिलाएं सभी लोग बारात आने का इंतजार कर रहे हैं, तो सभी लोग बैठ रखे हैं। तो अभी ना बारात पहुँच चुकी है यहाँ पे रास्ते में और यहाँ पे अभी रेबन कट हो रहा है तो इनसे हम 6 रुपये झाड़ेंगे। जल्दी दे भाई, 5100 दो फटाफट फटाफट। भाई यहाँ पे लड़ाई होने बैठ गई भाई, किनो तो भाई ये रेवन काट नहीं नहीं दे रहे हैं भाई। चला 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 अब चला अब चला। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। देखिए ना अभी ना 6 फेरे हो गए हैं, बाकी यहाँ पे दगड़ तुड़ाई के लिए बहुत ज्यादा राड़ हो रही है भाई। दूल्हे राजा ने जब तक दगड़ तुड़ाई नहीं दी है तब तक नीचे नहीं बैठने देंगे। बाकी दगड़ तुड़ाई की जो रिवाज है वो हर पहाड़ों में हर शादी में होता है। दगड़ तुड़ाई का मतलब होता है कि जो दुल्हन की जो सहेली होती है ना वो अपना हक मांगती है और ये जरूरी है, पहाड़ियों का रिवाज है तो मांगना भी जरूरी है। लेकर ले मांगना लो तुम दगड़ तुड़ा। छुट्टी
वीडियो आ या वीडियो भी पढ़नी तुम्हारी मुठी भी ना दिया खुले दादा मुठी पति जाना मुठी भी ना दिया बोली दादा पांच सौ का नोट करना चार दो लास्ट एंड फाइनल बात किया जी भाई भाई इनको 1500 में तो शादिया इन्होंने लास्ट में दिए दुल्हन और उन्हें 3000 से 1500 पे आए कोई बात नहीं जितना मिला उसी में संतुष्ट होना चाहिए। पाँच बजे का टाइम हो चुका है और अभी बारात भी चली गई है, लेकिन जो ये विदाई का पल होता है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भावुक पल होता है। ऐसा क्यों होता है यार कि बेटी को जन्म कहीं और लेना है और जाना कहीं और है, पर कहते हैं कि यही दस्तूर है, बेटी पराया धन होती है, बेटियों को एक ना एक दिन ससुराल तो जाना ही है। हम भी गए, सभी बेटियाँ गए, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एक बेटी को अपने मायके से छोड़ के हमेशा के लिए ससुराल जाना है। बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, बहुत मतलब बहुत भावुक वाला पल होता है। तो अभी बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, बाकी बारात तो चली गई है दोस्तों।